हेलो बीची माय लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त बिंदास, फर्स्ट क्लास, जगकास। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज हम लोगों का जो 1.8 का अपडेट आया था, उसी के साथ BGMI और PUBG मोबाइल ने यहाँ पे हम लोगों को टायर से रिलेटेड एक हिडन फीचर दिया है। बट बहुत से बंदों को उसके बारे में नहीं पता, मुझे खुद भी नहीं पता था। बट कल रात को ही हम लोग यहाँ पे गेम खेल रहे थे, तो मेरे फ्रेंड की स्किन पे जब गेम स्टार्ट करने जा रहे थे, तो मेरे फ्रेंड की स्किन पे एक पॉपअप आया था जिसके अंदर लिखा था सिंक्रोनाइजेशन करके, ठीक है, टायर सिंक्रोनाइजेशन करके कुछ लिखा हुआ था। तो गाइज आप लोग भी अगर कभी कभी खेलते होगे, तो जो स्टार्ट करने वाला बंदा रहता है उसको दिखाते हैं टायर सिंक्रोनाइजेशन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फ्रेंड ने मुझे वो स्क्रीनशॉट दिया था, तो वो स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाती हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ आखिर टायर सिंक्रोनाइजेशन है वो है क्या, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखो, जब गेम स्टार्ट करने जा रहे थे तो ऐसे टायर सिंक्रोनाइजेशन करके कुछ लिखा था, और यहाँ पे हम लोगों को अपने रिसेंट टायर बताते हैं कि आप लोग स्क्वाड में कौन से टायर में हो, आप लोग सोलो में कौन से टायर में हो, और आप लोग डुओ में कौन से टायर में हो। और ये पॉपअप जब यहाँ पे आया तो इसके नीचे भी यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि टू इम्प्रूव योर गेमिंग एक्सपीरियंस एंड फेयरनेस अंडर डिफरेंट मैचिंग टाइप और बेस्ड ऑन योर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन क्लासिक स्क्वाड वी विल इंक्रीज योर टायर इन क्लासिक TPP सोलो और क्लासिक TPP डुओ, ठीक है। तो गाइज आप लोग अभी सब जानते ही होंगे कि मैच मैचिंग की यहाँ पे बहुत ही अभी प्रॉब्लम चल रही है। तो गाइज इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि तो गाइज यहाँ पे जो स्क्वाड के अंदर हमारा टायर रहता है ना, तो उसके अंदर अगर हम लोग अच्छा गेम प्ले करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग हमारे सोलो और डुओ के भी टायर को इंक्रीज कर दे रहे हैं, जैसे समझे नहीं ना। तो चलिए मैं आप लोगों को वापस गेम के अंदर ले चलती हूँ और अच्छे से यहाँ पे बताती हूँ, क्योंकि इसके रूल भी हम लोगों को देखने को मिले हैं और आप लोग खुद भी इसके रूल देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आप लोग अपने प्रोफाइल फोटो पे क्लिक करो, इसके अंदर आप लोगों को फर्स्ट नंबर पे अपनी बेसिक इन्फो देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना टायर दिखा रहा होगा, जो रिसेंट टायर है वो फर्स्ट नंबर पे। तो मेरा टायर अभी एस है इस आईडी में, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ पे गाइज आप लोग देख सकते हो मेरा यहाँ पे स्क्वाड में टायर एस है और सोलो और डुओ में यहाँ पे डायमंड 5 हो गया है। आप लोग मानोगे नहीं, मैं सोलो डुओ तो खेली ही नहीं हूँ इस आईडी से। जब यहाँ पे न्यू टायर रिसेट हुए थे हम लोगों के यहाँ पे अपडेट में 1.8 के, तो गाइज यहाँ पे मेरा टायर गोल्ड के आसपास था, बट ऑटोमेटिकली यहाँ पे डायमंड 5 हो गए हैं। तो ये टायर सिंक्रोनाइजेशन का ही मीनिंग है। मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे बताऊँ तो गाइज यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे टायर सिंक्रोनाइजेशन के रूल लिखे हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे लिखा है कि न्यूली एडेड पॉइंट सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम मेक इट मोर इंजॉयबल टू स्विच बिटवीन डिफरेंट मैच मैचिंग टाइप। तो गाइज अभी यहाँ पे जो मैच मैचिंग टाइप फीचर चल रहा है के बीच में जो यहाँ पे पॉइंट सिंक्रोनाइजेशन की सिस्टम जो ऐड की है ना, वो आप लोगों के लिए बहुत इंजॉय वाली है। तो इंजॉय वाली कैसे, वो यहाँ पे सेकंड नंबर के पॉइंट में लिखा है कि व्हेन रीचिंग अ हायर टायर इन वन मैचिंग टाइप अदर मैच मैचिंग टायर विल आल्सो गेन पॉइंट। सेकंड पॉइंट का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप लोग स्क्वाड में यहाँ पे जैसे जैसे हाई टायर पे पहुँचते हो ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के जो सोलो और डुओ में टायर होंगे ना, वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे स्क्वाड में अच्छी रैंक लाते हो तो गाइज आप लोगों को सोलो और डुओ में ऑटोमेटिकली प्लस पॉइंट मिल जाएंगे और उसमें आप लोगों के टायर यहाँ पे बढ़ते रहेंगे। तो बहुत से बंदे आप लोग देखना अपने प्रोफाइल में जाके, आप लोग सोलो डुओ में नहीं खेले होगे ना, फिर भी आप लोगों को अपना टायर बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। और थर्ड पॉइंट में गाइज यहाँ पे लिखा है पॉइंट अर्न इन FPP एंड TPP मोर विल रिपीट रिमेन सेपरेट, मतलब कि यहाँ पे जो आप लोग TPP खेलोगे उसके पॉइंट अलग से आप लोगों को मिलेगी और जो FPP खेलोगे उसके पॉइंट अलग से मिलेंगे। मतलब कि यहाँ पे TPP में आप लोग स्क्वाड में खेल रहे हो तो अच्छी रैंक होगी, तो सोलो और डुओ में ऑटोमेटिकली आप लोगों के टायर में प्लस हो जाएगा। और FPP खेलोगे तो FPP के अंदर जो FPP स्क्वाड रहेगा ना, उसके जो पॉइंट आप लोगों को मिलते हैं अच्छा गेम प्ले करते हो, तो FPP के सोलो डुओ में ही वो प्लस रहेंगे, मतलब ये टायर पूरे डिफरेंट हो जाएंगे। बट फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे लिखा है कि पॉइंट विल रिमेन सिंक अप इनटू डायमंड 5, मतलब कि आप लोग यहाँ पे डायमंड 5 तक आप लोगों का टायर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अभी इस आईडी में मैं एस में हूँ, तो ऑटोमेटिकली सोलो और डुओ में मेरा डायमंड 5 हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे डायमंड 5 के आगे टायर नहीं बढ़ेगा, आप लोगों के लास्ट टायर की जो लिमिट है वो यहाँ पे डायमंड 5 है। तो गाइस कहने का सिंपल मतलब इतना ही है कि यहाँ पे अगर आप लोग स्क्वाड में अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो सोलो और डुओ के जो प्लस पॉइंट मिलते हैं हम लोगों के टायर वाइज,
गोल्ड से फिर प्लेटिनम, प्लेटिनम से फिर डायमंड, तो वो आप लोगों की ऑटोमेटिकली ही प्लस हो जाएगी। और सोलो और डुओ दोनों में आप लोगों की टायर होगी वो डायमंड तक हो जाएगी, ठीक है, डायमंड 5 तक। तो यही टायर सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। गाइस वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।